नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंदू गोमें है। सोट जीके क्लासेज में आपका स्वागत है। सभ्यताओं से रिलेटेड 40 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। आशा है कि आप लोगों को पसंद आएंगे, जो आपके राजस्थान लेवल के हर प्रतियोगी परीक्षा में हेल्पफुल होंगे। सोट जीके क्लासेज को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? चार्ल्स मेसर्न, दयाराम साहनी, जॉन बर्टन, विलियम बर्टन। आपका सही उत्तर है दयाराम साहनी। प्रश्न नंबर दो, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता की खोज कब की? ए 1931, बी 1922, सी 1924, डी 1921। आपका सही उत्तर है 1921। प्रश्न नंबर तीन, अंग्रेजों द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई? ए 1862 ईस्वी, बी 1863 ईस्वी, सी 1861 ईस्वी, डी 1866 ईस्वी। आपका सही उत्तर है 1861 ईस्वी। रेडियो कार्बन डेटिंग प्रणाली के आधार पर सिंधु सभ्यता का काल था? ए 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व, बी 2800 ईसा पूर्व से 3200 ईसा पूर्व, सी 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, डी 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक। आपका सही उत्तर है सी। प्रश्न नंबर पाँच, रेडियो कार्बन डेटिंग प्रणाली के आधार पर सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण किया था? ए माधव स्वरूप वस्त, अर्नेस्ट मेके, डीपी अग्रवाल, जॉन मार्शल। आपका सही उत्तर है सी डीपी अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर छः, सिंधु सभ्यता के अखंड भारत में कितने स्थल मिले थे? ए 1700, बी 1800, सी 1400, डी 1500। आपका सही उत्तर है डी 1500। प्रश्न नंबर सात, भारत में सिंधु सभ्यता के स्थल किस राज्य में सर्वाधिक मिले हैं? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी हरियाणा, डी पंजाब। आपका सही उत्तर है बी गुजरात। प्रश्न नंबर आठ, सिंधु सभ्यता का तोरण द्वार किसे कहते हैं? ए मोहनजोदड़ो, बी सनहूदड़ो, सी हड़प्पा, डी कालीबंगा। आपका सही उत्तर है सी हड़प्पा। प्रश्न नंबर नौ, मृतकों का टीला किस स्थल को कहा जाता है? ए लोथल, बी मोहनजोदड़ो, सी बनावली, डी हड़प्पा। आप लोगों का सही उत्तर है बी मोहनजोदड़ो। प्रश्न नंबर 10, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? ए रंगनाथ राव, बी एन जी मजूमदार, सी बालकृष्ण थापड़, डी राखलदास बनर्जी। आप लोगों का सही उत्तर है राखलदास बनर्जी। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की। प्रश्न नंबर 11, पीतल की कागाड़ी कहाँ से मिली हैं? ए बनावली, बी चन्हूदड़ो, सी राखीगढ़ी, डी हड़प्पा। आपका सही उत्तर है बी चन्हूदड़ो। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से श्रृंगार पेटी कहाँ से मिली हैं? ए चहुंदड़ो, बी हड़प्पा, सी कालीबंगा, डी लोथल। आपका सही उत्तर है चहुंदड़ो। प्रश्न नंबर 13,
विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ए लोथल, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी हड़प्पा। आपका सही उत्तर है बी मोहनजोदड़ो। प्रश्न नंबर 14। 26 मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ए रोपड़, बी कालीबंगा, सी हड़प्पा, डी मोहनजोदड़ो। आपका सही उत्तर है डी मोहनजोदड़ो। प्रश्न नंबर 15। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? ए सूरकोटड़ा, बी राखीगढ़ी, सी धोलावीरा, डी बनावली। आपका सही उत्तर है सी धोलावीरा। प्रश्न नंबर 16। दीनहीन की बस्ती किस सभ्यता को कहते हैं? ए रोपड़, बी राखीगढ़ी, सी कालीबंगा, डी लोथल। आपका सही उत्तर है सी कालीबंगा। प्रश्न नंबर 17। गिलुंड सभ्यता कौन से जिले में है? ए भीलवाड़ा, बी झुंझुनू, सी राजसमंद, डी उदयपुर। आपका सही उत्तर है सी राजसमंद। प्रश्न नंबर 18। तांबा सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता को कहते हैं? ए सोती सभ्यता, बी बालाथल सभ्यता, सी रेड सभ्यता, डी गणेश्वर सभ्यता। आपका सही उत्तर है डी गणेश्वर सभ्यता, जो सीकर जिले में है। प्रश्न नंबर 19। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे हैं? ए खोटाले नदी, बी गगर नदी, सी सावी नदी, डी आयड़ नदी। आपका सही उत्तर है बी गगर नदी। प्रश्न नंबर 20। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? ए बी बी लाल, बी बी के थापर, सी अमलानंद घोष, डी अनारिड स्वीडन। आपका सही उत्तर है अमलानंद घोष। प्रश्न नंबर 21। नौ सभ्यता भरतपुर का उत्खनन किसने किया था? ए वी एन मिश्र, बी रतन चंद्र देवीदत्त, सी दयाराम सहनी, डी राखलदास बनर्जी। आपका सही उत्तर है रतन चंद्र देवीदत्त। प्रश्न नंबर 22। किस सभ्यता को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं? ए बागोर भीलवाड़ा, बी रेड जयपुर, सी नौह भरतपुर, डी सोनारी झुंझुनू। आपका सही उत्तर है रेड जयपुर। प्रश्न नंबर 23। 14 प्रकार की कृषि के अवशेष किस सभ्यता से मिले हैं? ए गिलुंड सभ्यता, बी सोनारी सभ्यता, सी बागोर सभ्यता, डी जोधपुरा सभ्यता। आपका सही उत्तर है सी बागोर सभ्यता। प्रश्न नंबर 24। आहड़ सभ्यता की खोज किसने की? ए दयाराम सहनी, बी वीरेंद्रनाथ मिश्र, सी अक्षय कीर्ति व्यास, डी एच डी सांकलिया। आपका सही उत्तर है सी अक्षय कीर्ति व्यास। प्रश्न नंबर 25। स्वास्तिक का चिन्ह किस सभ्यता से मिला है? ए हड़प्पा सभ्यता, बी पीलीबंगा सभ्यता, सी कालीबंगा सभ्यता, डी हाड़ सभ्यता। आपका सही उत्तर है सी कालीबंगा सभ्यता। आटा पीसने के लिए चक्की किस सभ्यता से मिले हैं? ए आहड़ सभ्यता, बी गणेश्वर सभ्यता, सी बेराट सभ्यता, डी बालाथल सभ्यता। आपका सही उत्तर है आहड़ सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 27। 5 नरकंकाल किस सभ्यता से मिले हैं? ए सोनारी सभ्यता, बी सोती सभ्यता, सी बागोर सभ्यता, डी बालाथल सभ्यता। आपका सही उत्तर है बागोर सभ्यता।
प्रश्न नंबर 28, महासत्यों का टीला किस सभ्यता को कहा जाता है? ए कालीबंगा सभ्यता, बी सौंती सभ्यता, सी आड़ सभ्यता, डी पीलीबंगा सभ्यता। आपका सही उत्तर है आहड़ सभ्यता। प्रश्न नंबर 29, जुते हुए खेत के साक्ष्य से किस सभ्यता से मिले हैं? ए रंगमाल सभ्यता, बी पीलीबंगा सभ्यता, सी कालीबंगा सभ्यता, डी आहड़ सभ्यता। आपका सही उत्तर है सी कालीबंगा सभ्यता। प्रश्न नंबर 30, रसोई घर के साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? ए बागोर सभ्यता, बी सोनारी सभ्यता, सी ओजियाना सभ्यता, डी रेड सभ्यता। आपका सही उत्तर है सी ओजियाना सभ्यता, बदनौर भीलवाड़ा। प्रश्न नंबर 31, नर्तकी की कांसे से बनी मूर्ति किस स्थल से प्राप्त हुई है? ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी चहुंदड़ो, डी लोथल। आप लोगों का सही उत्तर है ए मोहनजोदड़ो। प्रश्न नंबर 32, कौन सी फसल सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? ए जो, बी दालें, सी चावल, डी गेहूं। आपका सही उत्तर है बी दालें। प्रश्न नंबर 33, भारत की प्राचीनतम सभ्यता के लिए सिंधु सभ्यता नाम सर्वप्रथम किसने दिया? ए दयाराम साहनी, बी जॉन मार्शल, सी कनिंगम, डी अर्नेस्ट मेके। आपका सही उत्तर है बी जॉन मार्शल। क्वेश्चन नंबर 34, हड़प्पा काल में मकान बनाने में प्रयुक्त ईंटों के आकार का अनुपात था? ए 1:2:3, बी 2:4:2, सी 4:2:1, डी 1:1:1। आपका सही उत्तर है सी। प्रश्न नंबर 35, हड़प्पा कालीन निम्नलिखित में से किस स्थल में घोड़े के अवशेष मिले? ए लोथल, बी कालीबंगा, सी सूरकोटड़ा, डी बनावली। आपका सही उत्तर है सी सूरकोटड़ा। प्रश्न नंबर 36, हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी? ए काव्य प्रधान, बी अलंकार प्रधान, सी भाव चित्रात्मक, डी रंगात्मक। सही उत्तर है सी भाव चित्रात्मक। क्वेश्चन नंबर 37, सिंधु सभ्यता वासियों द्वारा सर्वाधिक प्रयुक्त धातु थी? ए तांबा, बी लोहा, सी कांसा, डी सोना। सही उत्तर है सी कांसा। प्रश्न नंबर 38, हड़प्पा नगर में R37 था? ए धान्य खोटार, बी अग्निकुंड, सी सामुदायिक कब्रिस्तान, डी श्रमिक आवास। सही उत्तर है सी सामूहिक कब्रिस्तान। प्रश्न नंबर 39, शल्य चिकित्सा के अवशेष किस सभ्यता से मिले हैं? ए लोथल, बी बेराट, सी आहड़, डी कालीबंगा। आपका सही उत्तर है डी कालीबंगा। कनिष्क के सिक्के किस सभ्यता से मिले हैं? ए कालीबंगा सभ्यता, बी रंगमल सभ्यता, सी सौंती सभ्यता, डी आहड़ सभ्यता। सी सौंती सभ्यता, भरतपुर।
दोस्तों लाइक कर दो, एंड आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो कमेंट करके बता दीजिएगा, और वीडियो में जो कमियां हैं बता दीजिएगा। एंड धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।